नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। हम सब जानते हैं कि ये दुनिया कितनी अजीबोगरीब है। यहाँ अलग अलग परंपरा के लोग रहते हैं। हर समाज में शादी से लेकर मौत तक की कई परंपराएं होती हैं, लेकिन हम आपको जिस समाज के बारे में बताने जा रहे हैं, यहाँ के मरे हुए लोग भी कभी नहीं मरते। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस समाज के लोग अपने मृतकों को कभी मृत नहीं मानते। यह अजीबोगरीब परंपरा इंडोनेशिया की है। यहाँ तोराजान समाज के लोग हर साल अपना पर्व मानीने मनाते हैं। इस उत्सव में वे अपने मृत रिश्तेदारों परिजनों के शवों को उनकी कब्र से खोदकर निकाल लेते हैं और फिर उन्हें नए कपड़े पहनाते हैं। इसके बाद उन्हें पूरे गांव में एक जुलूस के रूप में घुमाया जाता है। इस रस्म में उन शवों को कपड़े पहनाने से पहले नहलाया भी जाता है। इसी के साथ ही परिजन इस शवों के लिए सिगरेट भी लाते हैं। इस रस्म के पीछे यहाँ के लोगों का विश्वास है कि यह उत्सव एक प्रकार से जीवन का उत्सव है। उनका मानना है कि ऐसा करने से मृतकों के साथ आपके अच्छे संबंध बनते हैं। ये समाज ये भी मानता है कि जब भी वे मृतकों का ध्यान रखते हैं, मृत आत्माएं उन्हें आशीर्वाद देती है। इतना ही नहीं, वापस दफनाने से पहले कुछ लोग तो अपने प्रियजनों के शवों को काफी दिनों तक अपने घरों में संभाल कर रखते हैं। इसके साथ ही टूटे हुए ताबूत की मरम्मत कराई जाती है या फिर उसे बदल दिया जाता है। इसके बाद अपने परिजनों के शव को तय रास्ते से पूरे गांव में टहलाते हैं। गांव की इस परंपरा को माइनेन कहा जाता है। ये परंपरा हर साल अगस्त में निभाई जाती है। इसे शवों की सफाई का कार्यक्रम माना जाता है। तो राजा गांव के लोगों की पुरानी मान्यता के मुताबिक मृत व्यक्ति की आत्मा उसके पैतृक गांव में ज़रूर लौटती है। अगर किसी व्यक्ति की मौत सफ़र के दौरान हुई है तो उसे परिजन उसकी मौत के स्थान पर जाते हैं और मृतक को अपने साथ घर लाते हैं। पहले यहाँ के लोग इसी डर से दूर की यात्राएं नहीं करते थे, क्योंकि अगर किसी वजह से बाहर उनकी मौत हुई तो उनके लिए अपने गांव में लौटना मुश्किल हो जाएगा। इसमें मृत व्यक्ति को पैतृक दुर्ग में खाने के सामान और सिगरेट के साथ रखते हैं। इसके बाद मृत शरीर को कई वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए उसके शरीर को फॉर्मलिहाइड और पानी के घोल से फिक्सिंग करते हैं। इंडोनेशिया के करीब 5 लाख लोग मुर्दों के साथ वक्त गुजारने वाली इस परंपरा को अपनाते हैं। वह मृत शरीर को सजाते हैं, फोटो लेते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। टूरिस्ट्स के लिए अजूबा इंडोनेशिया के टोराजा संप्रदाय के लोगों के इन रीति रिवाजों को देखने कई लोग बाहर से यहाँ आते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए के भारत न्यूज़।